नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए नॉलेजेबल वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि गाड़ी चलाने से पहले जिन लोगों ने अभी नई नई गाड़ी सीखी है उन लोगों को नई जो अपनी गाड़ी चलाने से पहले, गाड़ी की सीट पे बैठने से पहले, ड्राइविंग करने से पहले किन किन मेन पाँच बातों का, मुख्य पाँच बातों का, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और उन चीज़ों का, उन बातों का ध्यान रखने के बाद ही वो अपनी गाड़ी पर बैठें। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, बहुत ही काम की होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरी देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पवन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पवन जी कार वाले। दोस्तों, सबसे पहले गाड़ी चलाने से पहले आपको इन पाँच बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहला जो पॉइंट वो आता है गाड़ी का एयर, टायर का एयर प्रेशर। आपके टायर्स में प्रॉपर हवा भरी होनी चाहिए। बैठने से, गाड़ी में बैठने से पहले आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके जो चारों टायर है, यानी कि मैं तो साथ में बोलूँगा जो स्पेयर व्हील, जो पीछे स्टेपनी लगी होकर गाड़ी पड़ी होती है, उसका भी आपको एयर प्रेशर हमेशा चेक करते रहना चाहिए। हमेशा प्रॉपर एयर होनी चाहिए। कम एयर में, हवा में आप गाड़ी चलाएंगे तो टायर की, जो टायर पे भी लोड पड़ता है, उसकी रबड़ भी कट जाती है और गाड़ी का एवरेज भी कम आता है। गाड़ी जो पिकअप है उसमें भी बहुत फ़र्क आता है। तो इसका आप पूरा ध्यान रखिएगा, गाड़ी का जो टायर का जो एयर प्रेशर है वो प्रॉपर भरा होना चाहिए। नंबर जो सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है गाड़ी का जो इंजन ऑयल प्रॉपर गाड़ी के अंदर भरा हुआ है या नहीं है। लेवल आपको हमेशा चेक करना है जब भी आप कभी लंबा टूर मार के, या 500 या 1000 2000 किलोमीटर जब गाड़ी चल जाए, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। कूलेंट आप हर 400-500 किलोमीटर के बाद जब जरूर चेक करिए। जब गाड़ी ठंडी हो, रात को गाड़ी खड़ी कर दी तो सुबह जब गाड़ी आपको वापस यूज़ करनी है, तो यूज़ करने से पहले आप बोनट खोल के गाड़ी के अंदर जो कूलेंट होता है, जो गाड़ी के इंजन को ठंडा रखता है, उस कूलेंट के कैप को खोल के आप एक बार ज़रूर चेक करें कि उसमें कूलेंट की मात्रा बराबर मात्रा में है या नहीं है। ऐसे कई बार मैंने देखा है कि लोग ये सब चीज़ नहीं चेक करते, आते हैं सीधा बैठ जाते हैं, गाड़ी लेके शुरू हो जाते हैं, फिर रास्ते में जाके उनको तकलीफ़ होती है। अगर परिवार के साथ है तो परिवार ही परेशान होता है, वो भी परेशान होते हैं। तो इन सब बातों का आप पूरा ध्यान रखें। थर्ड नंबर पे जो बात आती है, जब आप गाड़ी में बैठे हैं तो आपको अपनी गाड़ी के जो फ्यूल लेवल है, जो गाड़ी में पेट्रोल या डीजल या गैस, अगर आप गैस पे भी चला रहे हैं, तो इनका लेवल प्रॉपर तरीके से आपकी गाड़ी में है या नहीं है, इसका आप पूरा ध्यान रखें। गाड़ी में हमेशा ये चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आप गैस पे चला रहे हैं तो साथ में पेट्रोल की मात्रा को भी बराबर भर के रखें। कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, गैस में गाड़ी नहीं चल रही है, तो आप रास्ते में कभी अटकेंगे नहीं, ठीक है। तो आप पेट्रोल भी या डीजल, जो पेट्रोल जो है गैस की गाड़ी की, तो नेचुरल पेट्रोल की ही होगी, तो पेट्रोल भी आप प्रॉपर गाड़ी में भरा के रखें कि कभी आपको रास्ते में कोई तकलीफ ना हो। इसके बाद बात आती है गाड़ी, थर्ड नंबर वो अगला जो पॉइंट फोर्थ नंबर वो आता है गाड़ी के अंदर आपके टूल बॉक्स में, जो आपका जो ग्लोव बॉक्स है, ग्लोव बॉक्स में आपके हमेशा RC इंश्योरेंस और PUC हमेशा पड़ी रहनी चाहिए। अगर आपको डर है कि कहीं ओरिजिनल पेपर्स कहीं गुम हो जाने का डर है, तो आप उसकी एक कलर कॉपी करा के आप हमेशा अपने ग्लोव बॉक्स पर एक एनवलप में डाल के आप हमेशा रखिए। इससे होगा क्या कि आपको मन में शांति रहेगी, आपको डर नहीं रहेगा क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वाला किसी ने चेकिंग ले ली तो मेरे को कोई चालान नहीं कर जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप प्रॉपर एक फोटोकॉपी आप हमेशा इसके अंदर ग्लोव बॉक्स पर डाल कर रखें, इससे आपका ही फायदा है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कई लोग रास्ते में पुलिस वाले रोक लेते हैं तो फिर वो फ़ोन करवाते कि हमारे तो कोई जान पहचान वाला है, उनसे बात कर लो, उनसे बात कर लो। ऐसे काम करना ही क्यों, क्यों किसी को शर्मिंदा करना? आपकी वजह से वही फ़ोन पे बात करेंगे, फिर उनको भी अटपटा सा लगता है कि एक तो गलती कर रहे हैं फिर मेरे से बात करवा रहे हैं, इसीलिए अपना रिलेशन भी ख़राब होता है। इसीलिए आप हमेशा एक, भाई आपको कोई वज़न उठा के तो कंधे पे लेके चलना नहीं है, प्रॉपर एक लिफाफे में फोटोकॉपी करके और हमेशा रखिए, ये आपकी सुविधा के लिए है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है गाड़ी के जो टूल किट है वो हमेशा गाड़ी में प्रॉपर अवेलेबल होना चाहिए। टूल किट में एक तो जैक, एक रॉड और एक पाना। रास्ते में कभी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, कुछ हो जाए, पता नहीं चलता, तो ये प्रॉपर उसके अंदर होना चाहिए, इसका आप पूरा ध्यान रखें। समझ रहे हैं बात को? तो ये आपके बहुत ही काम के पॉइंट्स हैं। कभी भी जिसने भी, कई लोग ऐसे ही लगे ध्यान रखते नहीं है, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा रास्ते में, कुछ नहीं होगा, लेकिन जब वो बाद में अटक जाते हैं फिर उनको शर्मिंदा होना पड़ता है, परेशान भी होते हैं, तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करें। ये कुछ मेन पाँच पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो इसका पूरा ध्यान रखिए। गाड़ी में आप कभी भी नहीं अटकेंगे रास्ते में, और ये चीज़ें आप ही के ही काम के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, छोटी सी मैंने वीडियो बनाई है, ज़्यादा लंबी नहीं बनाई है। आप इन सब बातों का ध्यान रखें और मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर आप थम्स अप लाइक करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ऐसा करने से क्या है कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ और लाते रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। अपना पूरा ध्यान